झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान बजट में कोल्हान प्रमंडल पर भी ध्यान दिया गया। झारखंड मिल्क फेडरेशन की मदद से जमशेदपुर में डेयरी प्लांट लगाया जाएगा। इसके साथ ही गिरिडीह में भी नए डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगाने की योजना है। इससे किसानों के साथ लोगों को भी फायदा होगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में किसान सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 26,000 एकड़ में फलदार पौधे रोपे जाएंगे। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर और राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालयों में स्थित जिला अस्पतालों के साथ साहिबगंज जिला अस्पताल को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराते हुए अत्याधुनिक मशीन उपकरण साज सामानों से युक्त कर संचालित किए जाने की योजना है। नीलांबर पीताम्बर योजना के तहत 1,00,000 हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है। शहरी जलापूर्ति योजना के माध्यम से लोगों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 32,244 में 20,000 आवास पूरे कर लिए गए हैं। 3,000 आवास नए आवास बनाए जाएंगे। राज्य के बुजुर्गों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी।